रहमानिर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। डेली टीवी की तरफ से आज मैं इन पेज का ट्यूटोरियल नंबर 8 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इन पेज की क्लासेस चल रही हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने इन पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू और इंग्लिश तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, पश्तो और सराइकी वगैरह हम इसके अंदर किस तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह अपने इन पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर सिंधी और पश्तो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मेन सॉफ्टवेयर इन पेज की तरफ, जहां पर हम लिखना सीखेंगे पश्तो और सिंधी, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू तो ऑलरेडी हम इसमें लिख चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। बट अब मैं आपको ये बताऊँगा कि हम किस तरह अपने इन पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो अपने कीबोर्ड की सेटिंग करके हम पश्तो और सिंधी लिख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मेन सॉफ्टवेयर इन पेज की तरफ। दोस्तों, ये मैंने अपने मेन सॉफ्टवेयर इन पेज को ओपन कर लिया। यहाँ से हम फाइल में जाके न्यू फाइल को ओपन करते हैं। ये हमारे पास फाइल एक आ गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि हम सबसे पहले जब हम अपने इन पेज को इंस्टॉल करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड की सेटिंग करते हैं। जब हम इन पेज को इंस्टॉल करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने एडिट में जाते हैं। एडिट में जाके उसके बाद हम प्रीफ्रेंस में जाते हैं, और प्रीफ्रेंस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा कीबोर्ड प्रीफ्रेंस के नाम से। तो इसमें जब हम अपने इन पेज को इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है ये मोनो टाइप का कीबोर्ड सिलेक्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ़ कीबोर्ड दिए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ़ जो है वो कीज़ के साथ काम करते हैं। ये मोनो टाइप है, फिर अल्ताब का है, उसके बाद जो है ये मुक्तदरा है, फिर फोनेटिक है, और डिफरेंट कीबोर्ड इसमें दिए गए हैं। तो इसके अलावा और नीचे भी जो है वो कीबोर्ड दिए गए हैं, जो कि हम अपनी सेटिंग और या अपनी चॉइस के हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं। तो अगर हम फोनोटिक की बात करते हैं, तो फोनोटिक दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि फोनोटिक एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि इंग्लिश के अल्फाज से मुशाबहत रखता है। जैसा कि हमने फोनोटिक को क्लिक किया, उसके बाद हम फोनोटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे फोनोटिक कीबोर्ड्स का एक पूरा व्यू आ जाएगा, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हमने लाम लिखना है, तो ये एल पे आएगा, ये एल के बटन पे आ रहा है। जैसे हमने सीन लिखना है, तो ये एस के बटन पे आएगा। और जैसा कि हमने ये तोएं लिखना है, तो ये वी के बटन पे आएगा। तो दोस्तों, ये फोनोटिक एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि इंग्लिश के अल्फाज से मिलता जुलता है। जैसे हमने फे लिखना है, तो ये एफ़ के बटन पे आएगा। आर लिखना है, तो ये आर के बटन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने जो है वो दो कायदे आज़म वाला, इनके दो नुक्तों वाला काफ लिखना है, तो ये हमारा क्यू के ऊपर आएगा। और अगर हमने पे लिखना है, तो ये हमारा पी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अगर हमने दो आँखों वाली हे डाल ली है, तो ये हमारी एच के ऊपर आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई कीबोर्ड को आप जो है वो लफ्ज़ किसी और, कोई लफ्ज़ जो है वो हम चेंज करके किसी और कीबोर्ड पे आएँ, तो हम उसके लिए जो है इसको क्लोज करके, और हम यहाँ पे जाके अपने ये जो नीचे यूजर्स कीबोर्ड बने हैं, इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम फिर इसको इस पर डिफाइन पे क्लिक कर देंगे। देख, ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हमने ये क्लिक किया, ये अब हमारी चॉइस के हिसाब से हम जैसा ईजी समझें, इस तरह हम अपना कीबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ कि ये फे का बटन जो है ये मेरा ए पे आई, तो मैं इसको ड्रा करके और ये इसको ए पे यहाँ पे रख के छोड़ दूँगा। तो अब मैं जब भी ए दबाऊँगा, तो मेरा फे ए की जगह फे आएगा। ठीक है, अब जब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ते का बटन है, टे से का बटन है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आए इधर एस के ऊपर, तो इसको मैं यहाँ पे जाके एस पे छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे जब भी मैं एस दबाऊँगा, तो वो बटन आएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये लाम का बटन जो है
ये मेरा के ऊपर आए, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगा। तो अब जब भी मैं इसको ड्रॉ के दबाऊंगा तो मेरा लाम का बटन आएगा। तो दोस्तों ये जो यूज़र डिफाइन कीबोर्ड इसमें दो दिए गए हैं, इसको हम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं, जो हम वर्ड चाहते हैं, जिस भी इंग्लिश के वर्ड पे, उर्दू का वर्ड, जो भी हम चाहते हैं उसको जस्ट हम ड्रा करके उस वर्ड के ऊपर छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको सेव करके क्लोज़ कर देंगे। और फिर जब भी हम जाके अपने वर्क में काम करेंगे, फाइल में, तो हम जो लव्स हमने जहाँ पे सेट किया था वही आएगा। तो ये तो था दोस्तों कि हम यूज़र कीबोर्ड को कैसे सिलेक्ट और इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों एक टाइम में हम दो यूज़र्स कीबोर्ड्स को हम सेटिंग कर सकते हैं, सॉरी दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिए गए हैं, तकरीबन यहाँ पे 8 कीबोर्ड ऐसे हैं जो कि हम अपनी मर्ज़ी से उनको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम फोनोटिक की बात करते हैं, तो ये फोनोटिक वही कीबोर्ड है जो कि इसमें अल्फाज ऑलरेडी जो हैं वो इंग्लिश कीबोर्ड के हिसाब से सेट कर दिए गए हैं, जो कि इंग्लिश कीबोर्ड से मिलते जुलते हैं। जैसे हम एफ़ दबाएंगे तो फे आएगा, डी दबाएंगे तो दाल आएगा, ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, और ए को शिप के साथ दबाएंगे तो अलीमदा आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो नीचे सेटिंग दी गई है, अब वो नीचे सेटिंग दी है इनेबल सिंधी, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम उर्दू के साथ साथ हम सिंधी भी लिखें तो हम यहाँ पे आज हम उसको इनेबल सिंधी कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो उर्दू के साथ साथ हम यहाँ पे पश्तो लिखें, तो हम फिर इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हम इसको सिंधी पे करके देखते हैं, सिंधी करके हम इसको ओके करते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे मैंने इसको ओके किया, उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको मैं 28 पे सेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये तो दोस्तों मैंने उर्दू में पाकिस्तान लिखा क्योंकि मेरे पास अभी उर्दू सिलेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि हम अपनी लैंग्वेज चेंज करने के लिए जो है वो शॉर्टकट की जो यूज़ करते हैं वो हम ये कंट्रोल और स्पेस, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, अगर जैसे हमने किया तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल और स्पेस किया, तो यहाँ पे अब सिंधी आ गई है, ये देखें, ये यहाँ पे सिंधी आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा पाकिस्तान लिखता हूँ, ये देखें पाकिस्तान। अभी देखिए मैंने ये पाकिस्तान लिखने की कोशिश की है उर्दू वाले कीबोर्ड से, तो ये सिंधी ज़ुबान लिख रहा है, ठीक है, सिंधी के अंदर वर्ड टाइप कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि ये अब कौन सी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये अब पश्तो, अब ये पश्तो की जो है वो ये देखें, ये यहाँ पे पश्तो की लैंग्वेज आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, दोबारा पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, दोस्तों मैंने पश्तो में पाकिस्तान लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि उर्दू और पश्तो सेम लैंग्वेज ही हैं, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैंने वही सेम पाकिस्तान लिखा है उर्दू वाली, तो इसने ठीक पाकिस्तान यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं कौन सी है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है इंग्लिश, ये देखें दोस्तों। अब मैंने आपको जो है इसमें लिख के दिखाई है, ये देखें दोस्तों, ये मैंने उर्दू के अंदर लिखा, ये मैंने सिंधी में लिखा, ये मैंने पश्तो में लिखा, और ये मैंने इंग्लिश में लिखा, ठीक है। तो ये हम मुख्तलिफ लैंग्वेज को इन पेज के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज करते हैं, जब यहाँ पे जाते हैं एक बार ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये उर्दू आ गया, उसके बाद फिर दोबारा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सिंधी आ गया, दोबारा हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे दोबारा पश्तो आ गया, और फिर करते हैं तो फिर यहाँ पे इंग्लिश आ गया। जितनी बारी दोस्तों आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज करोगे, इतनी बार यहाँ से लैंग्वेज चेंज होगी, और ये एक सर्कल की तरह लैंग्वेज चेंज होगी। पहले आप लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज आ जाएगी, फिर करोगे लैंग्वेज चेंज तो फिर आपकी पश्तो आ जाएगी, सॉरी सिंधी आ जाएगी, फिर करोगे तो फिर पश्तो आ जाएगी, और फिर दोबारा चेंज करोगे तो पाकिस्तान आ जाएगी। इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और इसको आप कंट्रोल और स्पेस की मदद से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूरी याद रखिएगा कि ये लैंग्वेज उसी टाइम आपकी पश्तो और सिंधी
आएगी जब आप एडिट में जाके प्रीफ्रेंस पे जाके और प्रीफ्रेंस कीबोर्ड पे क्लिक करके, जब तक आप इन दोनों ऑप्शनों को चेक नहीं करोगे तो जब तक आपकी पश्तो और सिंधी इनेबल लैंग्वेज नहीं आएंगी। अगर आप इनको बग़ैर चेक किए ही जो है कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाओगे लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज के टूल्स पे जाके लैंग्वेज चेंज करोगे, तो फिर आपकी सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही आएगी। सिंधी और पश्तो उसी सूरत में आएगी जब आप इन दोनों लैंग्वेज को यहाँ से चेक मार्क करके और ओके कर दोगे, ठीक है। फिर ही इस सूरत में ये देखें आपके यहाँ से लैंग्वेज जो है वो सारी आएगी। अब मैंने एक बार ही किया इंग्लिश आ गई, दोबारा मैंने किया ये उर्दू आ गई, फिर किया सिंधी और ये किया ये पश्तो आ गई। अगर मैं इसको यहाँ से जाके लैंग्वेज को अनचेक करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि अब किस तरह मेरे पास आएगा। तो दोस्तों अब ये देखो कि अब यहाँ पे इस टाइम इंग्लिश और उर्दू सिर्फ यही वर्किंग कर रही हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से जाके ऑप्शन बंद कर दी है। दोबारा अगर मैं जिसकी ऑप्शन यहाँ पे जाना है, प्रीफ्रेंस में जाना है, सबसे पहले एडिट में जाना है, फिर प्रीफ्रेंस में जाना है और उसके बाद कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में जाके और इन दोनों ऑप्शंस को यानी कि इनेबल सिंधी और इनेबल पश्तो को आपने ओके करना है, फिर ही आपकी जो है ये लैंग्वेज यहाँ पे वर्किंग करेंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल जो लैंग्वेज का है ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम अपने इन पेज सॉफ्टवेयर के अंदर पश्तो और सिंधी को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो काइंडली प्लीज़ मुझे एक कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। और जाते जाते मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। तो वैसे तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।